खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज सुल्तानपुर जिला महिला चिकित्सालय में महिला दलाल के झांसे में आकर वंदना पाल की प्राइवेट अहंसा नर्सिंग होम में मौत हो गई। बताते चले कि पूरा मामला सुल्तानपुर जिला महिला चिकित्सालय का है, जहां दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को वंदना पाल नामक महिला उम्र लगभग 26 वर्ष, जो कि अपने परिजनों के साथ डिलीवरी कराने जिला महिला चिकित्सालय पहुंची थी, जहां उसको रात में अचानक दर्द होने लगा। उसी दौरान जिला महिला चिकित्सालय में मौजूद दो महिला दलाल ने वंदना पाल प्रसूता को तथा साथ में आई उसकी ननद को बहला फुसलाकर नगर के राहुल चौराहे से कुछ दूर स्थित हंसा नर्सिंग होम में ले जाकर भर्ती कराया। तो वहीं दर्द से कराह रही वंदना पाल को व उसकी ननद को उन दो दलाल महिलाओं ने हंसा नर्सिंग होम में लाकर छोड़ दिया। फिर इसके बाद वही हुआ जो अक्सर हर दर्द से कराह रही महिला का होता है, जहां पर हंसा नर्सिंग होम के काबिल डॉक्टरों द्वारा वंदना पाल का सफल ऑपरेशन किया गया। वहीं ऑपरेशन के दौरान बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन आज वंदना पाल को काबिल डॉक्टरों की लापरवाही से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं परिजनों का आरोप है कि हंसा नर्सिंग होम में मौजूद डॉक्टरों की लापरवाही से वंदना पाल की मौत हुई है। मौत होने के बाद हंसा नर्सिंग होम के डॉक्टर व कर्मचारियों द्वारा शव को जबरन एम्बुलेंस बुलाकर हंसा नर्सिंग होम के संचालक द्वारा लखनऊ के लिए भेजा जा रहा था, जिस पर परिजन तैयार नहीं हुए और शव को लेकर अपने गाँव चले गए। तो वहीं जब परिजनों ने मृतक वंदना पाल का शव लेकर अपने गांव पहुंचे, तो वहां गांव वालों की आपसी सहमति से ग्रामीणों के साथ तमाम ग्रामीणों ने शव लेकर कोतवाली नगर पहुंचे और नगर में स्थित हंसा नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उचित निर्णय पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ हो, हंसा नर्सिंग होम में आए दिन इस तरह की वारदात यहाँ होती रहती है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। आज किस मामले को लेकर के यहाँ आई है? हम यहाँ लेकर आए हैं, हमारा नाम सुनीता है, हम बेरुगंज बाजार से, बेरुगंज से थाना हैदरगंज से आए थे, यहाँ फिर लेके आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। हमारी जनता भाभी थी, वंदना नाम है, हम उसको लेके आए थे यहाँ, बच्चे जो डिलीवरी थी यहाँ, फिर लेके आए थे, भर्ती नहीं जिला अस्पताल में भर्ती नहीं कराई थी, डॉक्टर साहब नहीं थे, तो दो महिलाएं मिली थी हमें, कहे लेके चलो हंस जनता का नाम का हंस हॉस्पिटल में, वहाँ पे तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा डिलीवरी और जो दोनों सही रहेगा, सच्चा बच्चा दोनों मिल जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ से लेकर गए थे, वहाँ लेके गए के बाद बच्चे को ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन होने के बाद बच्चा सही था, लेकिन बच्चा सही था और करीब बाद में वहाँ फिर जाके रात में जो परेशानी हो गई, डॉक्टर ने बोला कि जो लेके जाओ लखनऊ ले जाने के पहले हमारी जो वंदना भाभी ने जो एक्सपायर हो चुकी थी। रास्ते में नहीं, हंसा होम में, हंसा हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो एक्सपायर हुई थी हमको भी नहीं मालूम था, हमसे बताया नहीं डॉक्टर साहब ने तुम्हारी जो टकाना का मरीज एक्सपायर हुआ था। तो हंसा के डॉक्टर ने क्या कहा आपको? हंसा डॉक्टर ने कहा कि तुम लेके जाओ लखनऊ का, हमने कागज मांगा, कागज उसने नहीं दिया, उसने बोला कि तुम ले जाओ यहाँ से, कहा जो हम डॉक्टर के पास वहाँ लखनऊ में फोन कर दिए थे, वहाँ लेके जाओ, तुमको जनता काना तुम्हारा एडमिट हो जाएगा। इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं, किसकी लापरवाही है? डॉक्टर की। गुमशुदा की तलाश। नाम आयुषी सिंह उर्फ कुमकुम, पिता का नाम विनय सिंह। हुलिया लगभग 17 वर्ष, गोरा रंग, कद लगभग 5 फीट 5 इंच। पहनावा पीले रंग की कुर्ती, काले रंग की लेगी और सफेद रंग का दुपट्टा। दाहिने हाथ में भूरे रंग का पर्स था। उपरोक्त लड़की दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को लगभग 11 बजे माधव सिंह बाजार में देखी गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई। तमाम खोजबीन के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल सका। उपरोक्त लड़की के बारे में सूचना मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। पता है ग्राम लक्ष्मण या औराई, जिला भदोही, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने पर 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जैसे भी इनका पता चले जल्द से जल्द हमें संपर्क करें।